हेलो हाय नमस्ते वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 7th ऑफ दिसंबर को मेरा बर्थडे था एंड मैंने बर्थडे शॉपिंग करी थी एंड कुछ गिफ्ट्स भी अपने को दिए हैं मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक बर्थडे हॉल वीडियो बनाऊं एंड वो गिफ्ट्स भी आपके साथ शेयर करूं। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी शो ऑफ कर रही हूँ, आप इस वे में इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बस मेरी जो खुशियाँ हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या लिया है एंड वो क्या गिफ्ट्स हैं जो मैंने खुद को दिया है। तो सबसे पहले हम इन पैकेट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो मैंने ये जींस ली है। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने अपना माइक ऑन नहीं करा था एंड जस्ट मैंने ऑन किया है, तो इससे पहले कि जो इंट्रो है ना वो फिर आपको ऐसे थोड़ी गूंजती हुई आवाज़ में आएगी, बट अभी क्लियर आपको सुनाई देगा। तो पहली जो चीज़ है ना वो जीन्स ली है मैंने, ये है वेरोमोडा की स्ट्रेट फिट जीन्स। एक्चुअली मुझे स्ट्रेट फिट जीन्स ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसे टाइट जीन्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने ये लिया है। एंड मेरा जो वेस्ट साइज़ है वो है 30 एंड ये मुझे बहुत अच्छे से फिट होती है, तो ये मैंने जीन्स लिया है अपने लिए। एंड अभी ये पैकेट खोलते हैं हम एंड इसमें जो है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो सर्दियाँ बिना स्वेटर के कैसे ही जाने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने ये स्वेटर लिया है एंड ये बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर में है एंड ये क्रॉप स्वेटर है और इसका जो मटेरियल है ना वो वूल है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर मैं स्वेटर ले रही हूँ ना तो मैं उसको पहले टच करके देखती हूँ कि वो कितना सॉफ्ट है, मुझे सॉफ्ट स्वेटर ही पसंद है। एंड अगर वो थोड़ा बहुत भी ऐसा रुखा हुआ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो मेरी स्किन को ऐसे चुभता है। तो मैंने ये स्वेटर लिया था एंड ये मैंने रिलायंस से लिया था, तो उस पर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप जाना चाहते हो, स्टोर विज़िट करना चाहते हो तो बिल्कुल विज़िट करो। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं विंटर्स के, तो मैंने ये स्वेटर लिया था अपने लिए। एंड नेक्स्ट जो है वो भी एक स्वेटर है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, इसकी बाजू ऐसी है, पफ वाली है एंड ये ग्रे शेड में है, बट इसे मे बी आपको ये थोड़ा ग्रीनी सा दिखे, बट ये ग्रे में है एंड इस पर ऐसे छोटे छोटे ग्रे कलर के ही पर्ल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इसे। एंड ये भी बहुत ही सॉफ्ट है एंड इसे मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है। एंड ये फैब बेली का स्वेटर है, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। हो सके तुम अगर मुझे पिक्चर मिली ना तो मैं पिक्चर भी यहाँ पे पोस्ट करती रहूँगी इसे, जब मैंने ट्राई किया था तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था पहनने के बाद एंड फिट भी इसका काफ़ी अच्छा है। और अच्छी बात क्या है ना, इन्होंने ना एक्स्ट्रा ऐसी मोती भी दे रखे हैं यहाँ पे कि अगर इनमें से कोई भी मोती निकल जाए तो आप इसे फिर से इसे सिल सकते हो यहाँ पे एंड ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो ये स्वेटर हो गया मैंने जो लिया था अपने लिए। एंड लास्ट जो क्लोथिंग में वो है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था, ऐसा कुछ लाइट पिंक कलर में है, ये वूल में ही है ये भी एंड बहुत ही सुंदर है, ये क्रॉप में ही है। इसका नेक मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका नेक जो है वो टर्टल नेक है एंड ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं पहले, तो ये मेरे लिए नया है एंड ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही वॉर्म है। तो एक तो उसने मुझे ये दिया था एंड इसके साथ मुझे उसने ये क्लचर भी दिया था, ये गोल्डन मेटल में क्लचर है एंड एक्चुअली मैंने बालों को अपने टाई अप करके रखती हूँ एंड ये जो प्लास्टिक वाले क्लचर होते हैं ना वो या तो टूट जाते हैं या तो वो मेरे बालों के हिसाब से फिट नहीं होते हैं, तो मुझे उसने ये मेटल वाला क्लचर दिया है एंड ये बहुत ही सुंदर है, डेंटिस्ट सा है, सिंपल है बट बहुत सुंदर है। तो ये दोनों मेरी फ्रेंड ने भी मुझे गिफ्ट करा है मेरे बर्थडे पे। अभी तो क्लोथिंग का सारा कुछ हो गया, जितना भी था मैंने दिखा दिया है एंड नेक्स्ट जो है वो है ये अच्छा इधर से नेक्स्ट जो है वो है ये मैंने मिनीसो से अपने लिए मिरर लिया है एंड तो मैंने मिनीसो से ये मिरर लिया है अपने लिए, क्योंकि मेरे पास जो मिरर है ना वो डबल साइडेड है, तो अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आगे पीछे सारा कुछ दिखता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा मिरर क्यूट सा लिया जाए एंड मुझे फाइनली मिल गया। कितना सुंदर क्यूट सा ऐसा फ्लावर शेप में इसका दे रखा है इन्होंने और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने एक तो मिनीसो से ये लिया था अपने लिए एंड सॉरी अगर मेरी आवाज़ ऐसे बैठी बैठी सी आए, क्योंकि बर्थडे के अराउंड मुझे वायरल हो गया था तो उसके बाद से थोड़ी सी ऐसे गला ख़राब हो रखा है एंड बट अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट करूँ। सो आज मैं वही वीडियो शूट कर रही हूँ जो मैंने इतने टाइम से कुछ भी नहीं करा था। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया अपने लिए वो एक
सनग्लासेस कह सकते हैं, मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेस किया। ये कुछ ऐसे पैक होके आया, इसे मैं इंस्टाग्राम का चश्मा कहती हूँ क्योंकि सब लोग इसे पहन रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूँ। एंड फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत सुंदर लगेंगे। इसकी पैकेजिंग बहुत सही है, इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है कि कहीं से भी कुछ भी स्क्रैच ना लगे। तो वो है ये, एंड कितना सुंदर सा है, आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है ना। मीन्स फ़ोटो क्लिक करने में इसे पहन के बहुत सही लगेगा। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, वाला कैसे लग रही हूँ मैं। तो एक तो ये मैंने चश्मा लिया था अपने लिए इंस्टाग्राम से, एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब ये लगता एक्सपेंसिव है बट बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, और बहुत ही सुंदर क्लासी सा चश्मा है ये। तो मैंने ये चश्मा अपने ले लिया है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने लिया है, और इनका जो नाम है वो है पेपरली। एंड ये जो है ना फ़ोन कवर वगैरह, टेम्पर्ड एंड केस वगैरह देते हैं। तो मैंने अपने सैमसंग के फ़ोन के लिए ये कवर ऑर्डर करा था क्योंकि मार्केट में ना वो फ़ोन नया है तो कोई भी उसका कवर नहीं रख रहा है, एंड जो भी रखे हैं वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल कवर है उसके। तो मैंने ये देखा था इंस्टाग्राम स्टोर पर, तो मैंने वहीं से बाय किया है। एंड ये बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो, थोड़ा सा भी अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ है। पहले ये डब्बा, उसके बाद ये डब्बा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। बहुत ही क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है, यहाँ पे हार्ट शेप लगा रखा है इन्होंने। एंड ये इसकी इसका जो नाम है ना इंस्टाग्राम स्टोर का, वो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। तो ये मार्बल वाला जो चल रहा है आजकल फ़ोन कवर, इन्होंने अपने ऐसे कार्ड भी दे रखे हैं यहाँ पे थैंक यू नोट वाले। एंड ये वाइप्स दे रखे हैं कि इसे साफ़ करके ऐसे लगाना है। तो ये है वो कवर मैंने लिया अपने फ़ोन के लिए, पर्पल शेड में है। एंड ये मार्बल वाला जो है ना, इसका कुछ मार्बल करके नाम होता है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ़ोन पे लगने के बाद, और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये सारा कुछ निकाल करके फिर फ़ोन को फिट करना है इसमें। तो एक तो मैंने अपने फ़ोन के लिए ये लिया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले तो सारा कुछ इधर सामने बिखर गया है, तो थोड़ा सही करने में लगेगा ही। और नेक्स्ट जो लिया है मैंने अपने लिए लेंसेज लिए हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करती हूँ क्योंकि मेरी आंखों का पावर बहुत ज़्यादा है, जवानी में बुढ़ापा आया हुआ है मुझे। तो मैंने ओलेंस के इस बार लेंसेज अपने ऑर्डर करे, इनकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है। तो अभी जो क्रिसमस आने वाला है उसके थीम पे इन्होंने बना रखा है, प्रिंट कर रखा है अपने बॉक्स पे। एंड ये कुछ ऐसा आया है पैक हो करके। तो मेरा जो लेंस है वो इसमें है। एंड मैंने जो शेड लिया है वो है रशियन स्मोकी ग्रे। ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, आपको वीडियोस में मेरे देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने डेली यूज़ वाले लेंसेज लिए हैं, मंथली वाले नहीं लिए हैं। तो ये मुझे 5 पेयर में रिसीव हुआ है। तो आप इनके वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर में इनके लेंसेज हैं, एंड बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। तो मैंने ये लेंसेज लिए थे, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है जो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। और ये नॉर्थ स्टार का शूज़ है जो बाटा में आता है शायद, उसे मैंने बाटा के शोरूम में देखा था एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड सी कितना सुंदर है ये। तो ये बाटा के शूज़ है एंड ये बहुत ही सुंदर है। मीन्स इसमें जो ये सिल्वर लगा रखा है इन्होंने, तो इसमें जो ये शाइनी पार्ट है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसी ने मुझे अट्रैक्ट किया था। तो ये सिल्वर शूज़ मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, एंड ये पहनने के बाद तो भाई साहब इतना खूबसूरत लगता है ना पैरों में। एंड मेरा जो साइज़ है वो है 6 नंबर, एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसे काटते नहीं है पैरों को, और बहुत ही सुंदर है। लुक एट दैट, कितना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा है ये। तो ये शूज़ मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है। एंड नेक्स्ट जो मैंने अपने लिया है वो है ये, मतलब अमेज़ॉन की इतनी बड़ी पैकेजिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखी है अपनी लाइफ में, कि इतना बड़ा सा पैक करके आया है। इसमें मैं भी नहीं दिख रही हूँ, एंड गेस व्हाट इसमें क्या हो सकता है, मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। तो
तो ये छोटा सा पैकेट इतने बड़े पेपर बैग में रख के आया हुआ था। एंड मैं आपको बताती हूँ क्या लिया है मैंने अपने लिए। तो अमेज़ोन से मैंने ये होबो बैग लिया है एंड ये बहुत ही ट्रेंडी है आजकल। मैं इसको देख रही हूँ लोगों को यूज़ करते हुए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें ना इन्होंने ये भी दे रखा है कि आप इसे लंबा करके भी ले सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो मुझे ट्रैवल के टाइम में ना ऐसे बैग की नीड होती है जिसमें ढेर सारा सामान आ जाए और मैं इसे ईजिली सारा कुछ ले करके ट्रैवल कर सकूँ, तो इस पर्पज़ से मैंने ये बैग लिया है। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब पीछे भी एक जिप दे रखा है इन्होंने, एंड ऐसा है कुछ। तो ये था, मैंने अमेज़ॉन से ये परचेस करा था। एंड लास्ट मैंने खुद को ये गिफ्ट किया है टैब। ये है सैमसंग गैलेक्सी का S7 FE टैब है ये, एंड बहुत ही सुंदर। तो ये मैंने खुद को गिफ्ट करा है इस बार अपने बर्थडे पे। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैंने अपने बर्थडे पे इतना कुछ एक्सपेंसिव खुद को गिफ्ट किया है। मीन्स ऐसे तो आप कभी भी कुछ भी ले सकते हो, बट बर्थडे पे खुद को कुछ ऐसा देना बहुत ही अच्छा फील, मीन्स वो फीलिंग अलग होती है। तो बस मैंने भी खुद के लिए ये लिया है। तो इसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शेयर कर रखा है और यहाँ पे मैं आई बटन भी ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जा करके वो वीडियो देख सकते हो, इसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो कि ये कैसा है, कितना सुंदर है। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और एक्चुअली मुझे तो आईपैड लेना था, बट मेरा ना फिर जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैंने इसे परचेस करा। एंड इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेमोरी मेरी बहुत जल्दी भर जाती है, तो मैंने इसे लिया है। एंड इसके लिए मैंने कवर भी ऑर्डर करा था जो अमेज़ॉन से ही मैंने करा, एंड मुझे वो कल ही रिसीव हुआ है। किधर गया, तो ये है मेरे टैप का कवर। एंड मैं इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बहुत अच्छे से पैक होकर के आया है ये। एंड क्या गिर गया। इसके साथ मुझे ये मिला है, ये इनका QR कोड है कि आप इस पे स्कैन करके वीडियो देख सकते हो कि आप इसे कैसे इंस्टॉल करोगे टैप के टैप में। तो मेरे जो टैप का कलर है ना वो पिंक है, तो इसलिए मैंने ये कवर भी पिंक में ही ऑर्डर करा है। एंड ये बहुत ही स्टर्डी है, और इसकी अच्छी बात है कि इन्होंने ना ये ऐसे स्क्रीन के लिए भी इन्होंने दे रखा है, और बैक के लिए तो है ही ये, बट स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट करेगा, तो उसके लिए ये ऊपर वाला दे रखा है इन्होंने। एंड पेन के लिए ये पीछे लगा रखा है इन्होंने कि इसमें आप पेन को फिट कर लोगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अपने टैब को जल्दी से मैं फ़िट करूँ इसमें और यूज़ करना स्टार्ट करूँ। तो लास्ट था जो मैंने अपने बर्थडे पे खुद के लिए लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ओकेज़न का वेट करो खुद को पैम्पर करने के लिए या खुद को स्पेशल फील कराने के लिए, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब अच्छा फील करोगे तभी आप दूसरों को भी अच्छा फील करा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो जितना भी कुछ था मैंने सब दिखा दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आ जाओ मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग हो मेरी लाइफ में, और जिससे मैं सारी कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। यू नो आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, और मुझे उतना सोशल होना पसंद नहीं है, तो जो भी चीज़ें होती है मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ, कैमरे से ही बातें कर लेती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जितने भी चीज़ें मैंने ली है उनमें से आपको क्या अच्छा लगा है। तो जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मैंने लिया उनके लिंक्स तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने स्टोर से बाय करा है उनके लिंक्स भी मैं सर्च करके डालने की कोशिश करूँगी, तो अगर वो मिल गया तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी वहाँ पे। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। इसी तरह अपना प्यार मेरे पे बनाए रखना आप सब, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।